आपकी बात आपके साथ ITDC News। स्वागत है लाइफ एट बिग बॉस विद ITDC News में, जहां हर दिन समय का तांडव चलता है और हर क्षण नई हलचल, ड्रामा और रोमांस लेकर आता है। हम आपको बिग बॉस 18 के हर मोड़ और हर सस्पेंस से रूबरू कराएंगे सिर्फ ITDC News पर। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए घर के अंदर के हर खास खबर, जहां समय का तांडव कभी रुकता नहीं। बिग बॉस 18 में करण मेहरा ने ली एंट्री, कंटेस्टेंट के साथ सलमान खान ने बांधा समा। क्योंकि शुरुआत सलमान खान के भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ दिखाया गया। AI की मदद से यंग सलमान, वर्तमान सलमान और भविष्य के सलमान खान एक साथ नजर आए। सलमान खान ने आज सभी कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन कराया है। खतरों के खिलाड़ी के विजेता करण मेहरा ने भी शो में एंट्री ले ली है। इन कंटेस्टेंट के नाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। अब रविवार की रात 9 बजे शो का धमाकेदार आगाज हुआ। इस मौके पर धूमधाम से ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसके साथ ही देश भर के कई पॉपुलर चेहरों को ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाया गया। अनिरुद्ध आचार्य भी शो के आगाज पर मौजूद रहे और सलमान खान के साथ कॉमेडी का लड़का लगा रहे हैं। बिग बॉस की आवाज से हुआ शो का आगाज। शो की शुरुआत बिग बॉस की करारी आवाज से हुई। बिग बॉस ने सबसे पहले शो के 15 साल के इतिहास को बताया और कंटेस्टेंट के आने वाले भविष्य की झलकियां भी बताईं। बिग बॉस के 18वें सीजन में अब तक 18 कंटेस्टेंट के नाम फाइनल हो चुके हैं। बिग बॉस ने ओपनिंग मौके पर कहा कि घर वालों में से कई लोगों की तकदीर चमकेगी और कई की तकदीर में दरारें आई हैं। तो छोड़ सकता हूं मंत्री का पद चिराग पासवान के बयान से मची सनसनी, इन कंटेस्टेंट को मिली एंट्री। बिग बॉस में अब तक 5 कंटेस्टेंट को एंट्री मिल गई है। सबसे पहले टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे ने शो में एंट्री ली। इसके बाद टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा, शहजादा, धामी और 90 के दशक पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी पहुंची हैं। इसके साथ ही नेता तंजी दग सिंह बग्गा ने भी एंट्री ली है। एंट्री के समय सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट ने उनकी बीती जिंदगी के बारे में भी चर्चा की। अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए ITDC News।